देश में लगातार दूसरे दिन भी 75,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले। मौत का आंकड़ा 62,000 के करीब पहुंचा। विपक्षी दलों की 6 राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में जेईई नीट की परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर दायर की याचिका। जेईई नीट की परीक्षा पर सोनिया गांधी ने कहा, छात्र देश का भविष्य, उनकी सहमति से हो फैसला, जगह जगह भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेसी कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक बाढ़ का कहर, ओडिशा में 7 लोगों की मौत, पहाड़ी राज्यों में भी हालात बदतर। उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गोरखपुर सदर से बीजेपी विधायक राधा मोहन अग्रवाल ने अपने ही सरकार पर उठाए सवाल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका खारिज की। जम्मू कश्मीर के शोपिया में किलोरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बिहार विधानसभा के चुनावों को टालने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, कहा कोरोना के कारण नहीं रोके जा सकते चुनाव। दिल्ली दंगों पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी जांच रिपोर्ट जारी की, दिल्ली पुलिस पर दंगे ना रोकने और उनमें शामिल होने का गंभीर आरोप। और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की तबीयत खराब, स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया।